अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खुदा खरीद होंगे। अनबॉक्सिंग सीरीज की वीडियो, इससे पहले के बाद ही अनबॉक्सिंग शुरू करें, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास है सुपर जनरल की टॉप लोडेड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 8 kg की। ये वॉशिंग मशीन है, मॉडल नंबर है KSGW824। चलिए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग और अपने इस वॉशिंग मशीन को देखते हैं। मॉडल नंबर KSGW824 चाइल्ड लॉक के साथ है, LED डिस्प्ले है, ट्रांसपेरेंट लीड है, इसकी रिले स्टार्ट है और पावर ऑफ मेमोरी है। दोस्तों इसका जो वजन है, नेट वेट जो इसका है वो 36 kg है, ग्रॉस वेट इसका 40 kg है। फुली ऑटोमेटिक ये हमारी वॉशिंग मशीन है। चलिए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग और अपनी इस वॉशिंग मशीन को खोल के देखते हैं कि हमें अंदर से एक्सेसरीज कैसे मिलती है, क्या कुछ मिलेगी और इसके फंक्शन वगैरह क्या है। सूरज ग्रे कलर में सुपर जनरल की वॉशिंग मशीन 8 प्रोग्राम्स के साथ है, टब क्लीन फंक्शन के साथ है, लिड फिल्टर है इसके अंदर, LED डिस्प्ले है और ड्यूल वाटर इनलेट है। KSGW824 डिले रिमेन सेट का ऑप्शन है, चाइल्ड लॉक है, इसी तरह ये वाटर लेवल, वॉश रिंस, वॉश पिन, हॉट वार्म कोल्ड प्रोसेस, टेम्परेचर प्रोग्राम्स, नॉर्मल जीन्स मेक, सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग हैवी क्विक आई क्लीन, इसके लिए स्टार्टअप और पॉज का ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास जी ऑन ऑफ का बटन। ये जी खूबसूरत ट्रांसपेरेंट लिड, यहाँ पे आपने वॉशिंग पाउडर वगैरह डालना है और यहाँ पे आप लिक्विड वगैरह डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमें मिलता है जी एक इसके लिए वाटर पाइप 2। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हैं जी मैनुअल्स और इसका वारंटी सर्विस कार्ड, ठीक है। ये अगर हम आपको इसके अंदर से दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं 8 kg की बड़ा इसमें टब लगा हुआ है। ये यहाँ पे लगे हुए हैं जी फिल्टर्स जो आपको साफ़ भी करने पड़ने हैं और फिल्टर्स को निकालना और साफ़ करना बहुत आसान है। 2 पाइप दिए गए हैं, एक गर्म पानी के लिए और एक ठंडे पानी के लिए। उसके अलावा ये हमारे पास है दोस्तों ड्रेन होस पावर केबल, इसको लेवल करने के लिए एडजस्टेबल दिए गए, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपके फ्लश का लेवल होगा उसके हिसाब से इनको एडजस्ट किया जा सकता है। जी दोस्तों हमारी मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, ये हमारे पास हॉट और कोल्ड वाटर है, इसके पाइप दोनों अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं। ये पाइप जो है ड्रेनेज का आपने इस तरह लगाना है यहाँ पे ऊपर करके, तो मशीन क्योंकि ऑटोमेटिक है तो वो खुद ही प्रेशर से इसका पानी को निकाल देगी, ड्रेन कर देगी। ये हम आपके सामने डाल रहे हैं कपड़े। ये हमने सरफेस पे डाला है, अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो आप इस साइड पे डाल सकते हैं। ये अब आप इसको कर देंगे बंद, ये हमने किया जी लिड को बंद, पावर हमारी ऑन है, यहाँ से हमने इसको किया पावर ऑन। यहाँ पे हमारे पास LED लाइट जलना शुरू हो गई है, प्रोग्राम को सेट करेंगे हम, प्रोग्राम ठीक है जी। ये हमारे पास प्रोग्राम है जी नॉर्मल 55 मिनट इस पर शो कर रहा है, अगर मिक्स हम सॉफ्ट वाले कपड़े हैं, मिक्स सॉफ्ट हैं तो वो 52 मिनट्स पे शो करेगा, और इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग हैवी हैं तो 77 मिनट पे, और अगर आई क्लीन करने हैं तो ये 15 मिनट्स पे आपको दे देगा। हमने क्योंकि नॉर्मल पे रखना है इसको तो हम इसको 55 मिनट पे रखें नॉर्मल पे, और इसको हम इस पे यहाँ पे जो लेवल आ रहे हैं वॉश रिंस और स्पिन तीनों हमने करने हैं जी। और ये हमारा हो चुका है सेट, टेम्परेचर जो है हमारा कोल्ड रहेगा, ठीक है। और अब हम इसे कर देते हैं स्टार्ट। ये भी मशीन चलनी शुरू हो गई है, अगर आप बाई चांस इसको लिड को ओपन करते हैं इसके तो मशीन एरर दे देगी, V3 का एरर आप देख सकते हैं। तो इसको आप जब तक बंद नहीं करेंगे बीप बंद नहीं होगी, और फिर आपने प्ले का बटन दोबारा प्रेस करना है
तो मशीन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इसके लिड को ओपन करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये, आपको कपड़े धो के और खुश करके देगी। बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी होगी कपड़ों में, थोड़ी देर आप उसको पंखे के नीचे डालेंगे या बाहर हवा में डालेंगे तो वो सूख जाएगी। जो हमारे कपड़े धुल गए हैं जी, तो ये आप देख सकते हैं शाइन इनमें, साफ सुथरे कपड़े हो गए जी। हल्की हल्की आ इनको नमी बाकी है इनमें, तो ये ज़रूरत है इसको पंखे की हवा काफ़ी होगी इनको ड्राई करने के लिए। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक ले जाता दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।